Hey everyone, welcome back to PMCO Falls Play Team Interviews. And in this interview, we have to put our nation's favorite team, Fnatic. Thank you so much, guys. Thank you so much. And I'm खुश लग रहा हूँ. Finally, I can see some breathe. So, start करते हैं introduction के साथ. Yep, I'm Ujjwal. My in-game name is inyodream, and I'm playing for Team Fnatic, and I'm from Mumbai. My name is Tanmay Singh, aka Scout. I play from Team Fnatic, and I'm from Gujarat. My name is Harpreet Singh Zanjua. I play from Team Fnatic, and I'm from Mumbai. My name is Mohammed OS Lakhani. My in-game name is Fnatic OS, and I'm from Mumbai. तुम करते क्या हो team? I'm a support assaulter, so like second entry flagger. I'm an IGL and supporter for the team. I'm a sniper of the team. Assaulter. So let's start this beautiful conversation. So, अभी सबको बताएं कि इस टीम में हर एक player, अभी जैसे फिर पारितोष है, ये star lineup है. और star lineup कभी भी काम नहीं करते, आपको भी पता है. तो लगता है कि Fnatic इसको workout करके दिखाएगी. ये तो नहीं बोल सकते कि स्टार लाइनअप पे हम लोग का रोल सबका इक्वली इक्विवेलेंट है टीम में सब लोग एक बराबर है अब बोलते हैं ना कि पांच उंगली एक समान नहीं होती है तो वैसे हम सब एक साथ हैं एक साथ हम लोग स्ट्रांग है इफ वी आर अपार्ट वी आर वीक तो ये मतलब मैं बोल सकता हूँ आप लोग तो अभी चालू करा आपने Fnatic का प्रेशर है Fnatic जैसा ब्रांड जुड़ा आपके साथ ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा नेम हमारे पीछे है तो बोलते हैं कि बड़े नाम खरीद बड़े चाहिए पीछे जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वी नो दैट Fnatic इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर दे हैव अ ह्यूज नेम और अगर हम लोग अभी खेल रहे हैं उनके नाम के बेस पे तो ऑब्वियसली बात है हम लोग के पीछे एक बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी है जो Fnatic है Fnatic इटसेल्फ इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी फॉर अस और मिस्टर रौनक आपके क्या वर्ड्स प्रेशर तो है मेन प्रेशर तो हमारे बाजू वाले प्लेयर का है वैसे कुछ नहीं हैंडल होता है सिचुएशन पर ठीक है थोड़ा संभालना पड़ता है इसको अभी सब में सबसे इंटरेस्टिंग नाम है ये इन योर ड्रीम्स क्या कहां से आया नाम मैं जब गेमिंग करता था तो सब ऐसा चिढ़ाते थे तो किसी को कुछ बोला तो बोलता तू सपने में मारेगा साले ऐसा वैसा तो फिर देन आई केम अप टू अ नेम जस्ट ड्रीम फिर मैंने बाद में सोचा कि क्या करूँ देन आई थॉट ऑफ इन योर ड्रीम कि मतलब कोई भी मुझे मारे तो वो उसके सपने में मारे सो देन आई केम अप स्टिल नाउ इन पबजी इफ समवन नॉक्स मी आउट इट्स लाइक यू जस्ट नॉक्ड आउट इन योर ड्रीम एंड यू वर जस्ट किल्ड बाय इन योर ड्रीम सो इट सूट्स परफेक्टली एक नंबर सोच के मुझे पता नहीं था इतनी डीप स्टडी करी है अरे ओ हो गया प्रो प्रो में बस सो अब मुझे जर्नी के बारे में जानने को इससे पहले आप सब दो प्लेयर एक लाइनअप से आते हैं एक प्लेयर अलग एक प्लेयर अलग और पारितोष ने बिल्कुल फ्रॉम इन्फ्लुएंसर टू अचानक से ई-स्पोर्ट पे जंप किया तो कैसे चल रहा है सब कुछ अभी टीम में ऐसा है कि ऑब्वियसली न्यू टीम फॉर्म हुई थी स्टार्टिंग में हम लोग के अप्स एंड डाउन्स थे बदन धीरे धीरे से एनर्जी क्रिएट हो रही है तो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर अब देखते और दो तीन दिन बचे हैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे ना सर सो स्काउट दिस वन इज फॉर यू ब्रो कि नो एवरीवन नोस तेरा प्ले स्टाइल बहुत अग्रेसिव है स्क्रू प्ले स्टाइल ये हेयर स्टाइल का क्या सीन है भाई मतलब कल तक तो काले थे ये क्या किया तूने अरे बस सीन ऐसा है ना कि लाइक My past has been in athlete. तो उस टाइम पे क्या एक शौक रहता है ना कि भाई हाँ हम जिसको इंस्पिरेशन मानते हैं उनके हेयर स्टाइल अलग हो रही है तो हम भी करेंगे तो एक था कि कभी फुटबॉल में बड़े लेवल पे खेलेंगे तो बाल कलर करवाएंगे तो फुटबॉल में तो हो नहीं पाया तब गेमिंग में एक चांस मिला है बड़े स्टेज पे खेलने का तो सोचा कि चलो कर लेते